मेरे वालों सारे नूं सत श्री अकाल। अज मैं तुहानू एक कहानी सुनाउण जा रही हाँ जिसका सिरलेख है दयालता। इस कहानी विच सिक्ख्या दित्ती गई है कि सानू कुदरत दे सारे प्राणियां अते जीव जंतुओं दे प्रति दया दी भावना रखनी चाहीदी है ते हमेशा ही जरूरतमंदां दी सहायता करनी चाहीदी है। मनवीर अपनी जमात विच बैठा पढ़ रहा सी तां बाहर बहुत ही तेज़ मीह पैण लग पिया। काफ़ी देर तक मीह पैंदा रहा। अद्धी छुट्टी वेले भी बच्चे मैदान विच मीह दे कारण खेड ना सके। छुट्टी तो थोड़ी देर पहला ही मीह रुक गया तां सब ने शुक्र मनाया। छुट्टी दी घंटी वजद्या ही मनवीर अपने बाकी दोस्तां नाल जमात विचों बाहर निकलिया ते अपने घर वल तुर पिया। रस्ते विच काफ़ी थावां उत्ते मीह दे कारण पानी इकट्ठा होया पिया सी। मनवीर ने वेख्या कि एक घर दे बाहर खड़े पानी दे विच कुछ बच्चे कागज़ दियां किश्तियां बना के चला रहे सन। मनवीर भी कुछ पल उत्थे खड़ा देखदा रहा ते उसनूं पानी विच तैर रहियां कागज़ दियां किश्तियां बड़ियां ही चंगियां लगियां। कुछ देर उत्थे रुकण तों बाद उह घर वल तुर पिया। घर पहुँच के मनवीर ने गर्म गर्म पकौड़ियां नाल चाह पीती ते अपनी माता जी तों आग्या लै के बाहर खेडण लई चला गया। उसने वेख्या कि उसदे घर तों थोड़ी जिही दूर नीवी थां ते पानी जमा होया सी। उसने उत्थे किश्तियां बना के चलाउण बारे सोचिया। वह घरों पुरानियां अखबारां लियाया ते उन्हां दियां किश्तियां बना के पानी विच चलाउण लग्या। किश्तियां चलाउंदे समें मनवीर ने वेख्या कि किश्तियां उपर कुछ कीड़ियां चढ़ रही सन। ध्यान नाल वेखण ते उसनू पता लगा कि वह बहुत सारिया कीड़ियां पानी विच रुड़ रही सन ते किश्ती दे सहारे अपनी जान बचाउण दी कोशिश कर रही सन। मनवीर नू उन्हां कीड़ियां उत्ते बहुत तरस आया। उसने उन्हां दी जान बचाउण लई होर बहुत सारिया किश्तियां बना के पानी विच रख दित्तियां। काफ़ी सारिया कीड़ियां किश्तियां उपर चढ़ गई। उसने किश्तियां चुक के सुकी थां उत्ते रख दित्तियां तां जो कीड़ियां उतर के सुकी थां उत्ते पहुँच जाण ते होर किश्तियां पानी विच रख दित्तियां। इस तरह करदे करदे उसने बहुत सारिया कीड़ियां दी जान बचाई। मनवीर ने पानी विच वेख्या कि कुछ कीड़ियां किश्तियां उपर नहीं चढ़ सकियां सन। वो पानी विच रुड़ रही सन। मनवीर ने सोचिया कि शायद इन्हां कीड़ियां नूं तैरना नहीं आउंदा होवेगा जां कमजोर होण कारण वह किश्ती उपर चढ़न दे योग नहीं होणगियां। वह उन्हां रुड़ रहियां कीड़ियां दी सहायता करनी चाहुंदा सी पर उसनूं कोई भी उपाय नहीं सी सुझ रहा कि वह की करे। अचानक उसनूं एक विचार आया। जिथे रुड़ रहियां कीड़ियां दा एक झुंड सी उत्थों उसने पानी दी बुक भर के सुक्की थां ते सुट दित्ती। इस तरह कीड़ियां पानी तो बाहर आ गई। 5-6 वार इसे तरह पानी दी बुक नाल उसने कीड़ियां नूं बाहर कढ़ दित्ता। हुण पानी विच कोई कीड़ी नहीं सी। ये वेख के मनवीर नूं बहुत ही संतुष्टि हुई। उसका मन खुश हो गया। घर आ के उसने अपनी दादी जी नूं सारी घटना सुनाई तां वह बहुत खुश होए। उन्होंने मनवीर नूं कहा, पुत्तर तू ये बहुत ही पुन्न दा काम कीता है। सानू रब दे बनाए हुए सारे जीव जंतुआं कीट पतंगियां दी मदद करनी चाहीदी है। जे वो अपनी सहायता नहीं कर सकते ते रब ने सानू तां इस योग बनाया है कि असी उन्हां दी सहायता कर सकीए। इसलिए सानू हमेशा उन्हां दी सहायता करन दा यतन करना चाहीदा है। हमेशा ही जरूरतमंदां दी ते गरीबां दी सहायता करनी चाहीदी है। जीव जंतुआं दी सहायता करनी चाहीदी है। सबर ते संतोख नाल हर मुश्किल दा हल कढ़िया जा सकता है। सो इसलिए सानू सारे प्राणियां प्रति ते सारे जीव जंतुआं प्रति दया दी भावना रखनी चाहीदी है। इसे तरह दियां होर रोचक कहानियां सुनने दे लई इस चैनल नू सबसक्राइब जरूर करो।